प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों में कार्यरत कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप चुके हैं और मांग पूरी ना होने की वजह से कर्मचारियों ने 12 फरवरी को प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया था। उसी क्रम में आज कृषि सहकारी साख समिति के सदस्यों ने अर्धनग्न अवस्था में धरना प्रदर्शन किया। मांगे हैं जो सहकारी समितियों के कर्मचारी पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं, उनका सबका वेतन लागू किया जाए, वेतन मान दिया जाए। दूसरी मांग हमारी यह है कि सबका जो सहकारी कर्मचारी है उनका कैडर, जिला कैडर बनाया जाए। तीसरी मांग यह है कि जो उचित मूल्य दुकानें समूह में चली गई हैं उनको वापस करके समूह में देने का जो आदेश हुआ है उसको निरस्त कर पुनः सोसाइटियों के माध्यम से वितरित कराया जाए। जो कंप्यूटर ऑपरेटर हमारे काम कर रहे हैं उनको संस्था सेवा नियम बनाया जाए और संस्था के सेवा नियम जंग जोड़ा जाए। आज ये वस्त्र उतार कर बैठे हैं, इसका हम लोगों का कार्यक्रम एक निश्चित हुआ। जो हमारा महासंघ है मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं कर्मचारी महासंघ भोपाल महासंघ के आह्वान पर आज हम लोग जो है अर्धनग्न होकर वस्त्र आधा वस्त्र त्याग कर हम लोग अनशन में बैठे हैं। और कल जो हमारा अगला कार्यक्रम है तो हम लोग जो है भीख मांग के और अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो पाती।